بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم مادین کوزین کی طرف سے السلام علیکم آج ہم اپنی کچن میں بنا رہے ہیں آلو اور ناشپاتی کی سبزی جو بھی سیزن کی سبزی ہو جو بھی پھل ہو اسے ضرور استعمال کیا کریں اس کی بھجیا بنے گی یہ میں نے تقریباً لے لیا 500 گرام کے کچن میرے پاس پٹیٹو ہیں और एक किलो मैंने ले लिया नाशपाती, इसको पेयर इंग्लिश में बोलते हैं। इसकी हम जब तक हमारा मसाला तैयार होगा इसको मैं पील करके इसकी कटिंग कर लूंगी। कटिंग आपके ऊपर है, आप इसे घर से पसंद कर सकती हैं। हमने हाफ कप ऑयल में तकरीबन एक प्याज रफली चॉप करके मैंने इसमें डाल दिया। इसको मैंने हल्का सा सोते करना है, लाइट ब्राउन भी नहीं करना और ब्राउन भी नहीं करना। इधर मैंने लिया हुआ है लहसुन अदरक का 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट है, इसमें मैंने पानी डाल दिया। ये मेरे पास है कुछ गर्म मसाले हैं, नमक है, सुर्ख मिर्च है, हल्दी है। क्योंकि मैंने अपने हिसाब से लिया है, मैंने 1 टीस्पून लिया है। आप जितना कम हो ज़्यादा आपका होम उसके मुताबिक कर सकती हैं। इस साथ में इसमें सूखी मेथी है जिसको हमने रोस्ट कर लिया। रोस्ट हमने कैसे किया, एक बर्तन लें, इसको गर्म कर लें, इसमें डाल दें, ये रोस्ट हो जाएगी। इसको जलाना नहीं, आप फौरन बंद कर दें। ये हमारे पास क्रश सुर्ख मिर्चे हैं, सूखा धनिया ड्राई है और ड्राई रोस्ट है, कुटा हुआ है, भुना हुआ है। ये हमारे पास काली मिर्च है, ये है हमारे पास सफेद जीरा और ये एक टमाटर है रफली चॉप कर लिए। साथ हमारे पास योगर्ट है, इसमें हमने 2 टेबलस्पून भलाई के भी डाले हैं। हमारा प्याज जो हल्का सा सोते हो गया, अब इस स्टेज पे मैंने ये जो 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट लिया हुआ है, साथ इसमें पानी डाला, इसमें डाल दूंगी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको हम उस वक्त पकाएंगे जब उसका अच्छा अरोमा ना आना शुरू हो जाए। आपको पता है लहसुन एक खास अरोमा होता है, उसको हम थोड़ा सा इसको हम हल्का सा सोते करेंगे। साथ ही मैंने ये जो ड्राई मसाले लिए हुए हैं वो मैं इसमें ऐड कर दूंगी, नमक, सुर मिर्च, हल्दी को बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब मसाला हमारा थोड़ा सा इसकी लहसुन की मसाल जब चली जाएगी फिर मैं इसमें टमाटर डाल दूंगी और मसाला हमारा तैयार हो जाएगा। उतनी देर में मैं क्या करूंगी, मैं इसको पील करके इसके छोटे छोटे पीसेस कर लूंगी। आलू एक अदर टमाटर जो मैंने लिया हुआ है इसको भी मैं इसमें ऐड कर दूंगी और अब इसके ऊपर लिड लगा दूंगी ताकि हमारा जो मसाला है ना वो अच्छी तरह से तैयार हो जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमान, आज को हम अदम कर देंगे और ये मसाला अच्छी तरह तैयार हो जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, माशाल्लाह माशाल्लाह हमारा मसाला फर्स्ट क्लास तैयार हो चुका है। इस स्टेज पे मैंने पोटैटो जो लिए हुए हैं इनको भी मैंने इनकी ब्रीफ भी कटिंग कर ली है, ये सारे इसमें ऐड कर दूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैंने भुजिया की शक्ल में की है, आपकी ओन चॉइस है, आप जैसे मर्जी कर लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, साथ ही मैंने ये नाशपाती को भी मैंने भुजिया की शक्ल मैंने कटिंग कर ली है, इसको भी मैं इसी तरीके कर लूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, दोनों को हम इकट्ठा बनाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, माशाल्लाह ये आलू और नाशपाती की भुजिया बहुत टेस्टी बनती है, रोटी के साथ खाएं, पराठे के साथ खाएं, इंशाल्लाह ताला आपको मजा आ जाएगा। ये यूनिक हमारी अपनी जाती रेसिपी है, आपने पहले नहीं खाई होगी, आप खाएंगे तो इंशाल्लाह कमेंट में जरूर बताइएगा आपको कैसी लगी। अब हमने इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं डालना, आलू का पानी और जो नाश्ता पानी है उसी में इसको हम टेंडर करेंगे। इसको हम इसकी लिड लगा देंगे 5 मिनट के लिए, जब ये टेंडर हो जाएगी फिर बाकी मसाले और दही वगैरह इसमें डाल देंगे, फिर मैं डिश आउट कर लूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, माशाल्लाह हमारी दोनों चीज़ें अच्छी तरह टेंडर हो चुकी है। इस स्टेज पर ये जो मैं ड्राई मसाले लिए हुए हैं जिसमें क्रश चिली मिर्च है, कोरिंडर पाउडर है, धनिया पाउडर है, काली मिर्च है और है भुनी हुई सूखी मेथी, सब इसमें डाल दूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त रूमा इसमें आ रहा है। अब हमने जो एक प्याली दही ली हुई है इसमें साथ मैंने 1-2 टेबल स्पून ना उसके डाले हैं क्रीम के, घर की जो मलाई होती है ना वो भी इसमें ऐड कर लूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये हमारी बड़ी क्रीमी बड़ी ज़बरदस्त भुजिया तैयार हो चुकी है। बस इसको थोड़ा सा 1-5 मिनट में से करूंगी फिर आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह घी हमारा आ गया ऊपर, हमारी माशाल्लाह भुजिया तैयार हो चुकी है। अब मैं इसके ऊपर थोड़ी सी कलौंजी डालूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, साथ ही मैंने पुदीना लिया हुआ है, हरी मिर्च ली है, थोड़ी सी गार्निश के लिए रख लेंगे और थोड़ा सा स्टेज पे इस पर डाल दूंगा। साथ ही मैंने 1 अदर अंडा लेके इसको बॉईल कर लिया है, इसको कुछ हम गार्निश में डालेंगे कुछ स्टेज पे डाल देंगे। ये माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त इसमें इसका टेस्ट आ जाएगा। इसको मिक्स करके अब मैं आपको गार्निश करके दिखाती हूँ। और आपने क्या करना है, आपने अपनी ज़बानों को अल्लाह तबारक व तआला की जिक्र से तर रखना है, क्योंकि अल्लाह ताला ने हमें क्या क्या नेमतों से नवाजा है। उस मालिक का जितना भी शुक्र अदा करें उतना ही कम है
आपको हम बंद कर देंगे और मैं आपको इसमें डालती हूँ। और प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दुरूद व सलाम की कसरत करें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ताकि हमारी ज़िंदगी में बहारें आ जाएँ, आखिर में भी आकर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफात हमारा मुकद्दर बने। ये बहुत ही हटके बनती है, बहुत हेल्दी है, बहुत टेस्टी है। आप इसे बनाइएगा और कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये कैसी लगी। माशाल्लाह माशाल्लाह, मैं कहती हूँ कि अल्लाह ताला ने इंसानों के लिए क्या क्या चीज़ें बनाई हैं, क्या बात है उस मालिक की। अब हम क्या करेंगे, ये जो बाकी मैंने अंडा बचाया था इसे मैं इसके ऊपर गार्निश कर दूँगी बहुत ज़बरदस्त किस्म की, और पुदीने और हरी मिर्च से। हमारी ज़बरदस्त किस्म की नाशपाती और आलू की भजिया तैयार हो चुकी है, सब्जी भी कह सकते हैं, सालन भी कह सकते हैं। इंशाल्लाह ताला आप इसे सादे राइस के साथ भी खा सकते हैं, और आप इसे पराठे के साथ खाएं, सादी रोटी के साथ खाएं, खुद खाएं, मेहमानों को खिलाएं, और अपने परवरदिगार आलम का खूब शुक्र अदा करें कि उसने हमें क्या क्या नेमतों से नवाजा है। तो इसके अलावा आपसे गुजारिश है, अगर आपने हमारे चैनल माजी कुजीन को सब्सक्राइब नहीं किया, इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। इंशाल्लाह ताला इसी तरह की हेल्दी अच्छी वीडियो के साथ मुलाकात होती रहेगी। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज़ और नासिर, खुश रहें और खुशियां बांटें, सानियां बांटें। अल्लाह हाफिज़।